अदाकारा साहिबा रहमो की 40 साल बाद अपने वाले से मुलाकात। तो वीडियो को जानने के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें और हमारी आने वाली हर वीडियो को लाइक कमेंट शेयर लाजमी करें। माजी की मकबूल फिल्मी अदाकारा साहिबा रहमो ने बेइंकशाफ किया है कि उन्होंने अपने वालिद इमाम रबानी से 42 साल बाद पहली बार मुलाकात की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने वालिद की जज्बाती वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने अपने वालिद से गिले शिकवे भी किए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर अदाकारा साहिबा ने वीडियो शेयर की जिसमें उन्होंने कहा कि 11 मार्च को मेरी ज़िंदगी का ऐसा वक्त आया जो मेरी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं आया। साहिबा की अपनी वालिद से मुलाकात की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वीडियो में बाप बेटी की पहली मुलाकात के जज्बाती मनाजिर को देखा जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि वो इस साल पहली बार फादर्स डे मनाएंगी। वीडियो में देखा जा सकता है कि साहिबा अपने वालिद से पहली बार गले मिलने के लिए उनकी तरफ बढ़ती हैं और दोनों आपदीदा हो जाते हैं। इस दौरान साहिबा अपने वालिद से कहती हैं, मेरा क्या कसूर था। बाद हज़ार साहिबा अपने वालिद के साथ कमरे में बैठकर आपदीदा होते हुए शिकवे शिकायत करती हैं। अदाकारा के वालिद कहते हैं, तुम्हारे लिए मेरी सांसें बची होती हैं तो मुझसे चला भी नहीं जाता, अल्लाह ने मिलाना था। याद रहे कि साहिबा नामवर लेजेंडरी अदाकारा खुशो की बेटी अनकर गुज़श्ता साल एक इंटरव्यू में साहिबा ने इंकशाफ किया था कि उन्होंने अपने वालिद को कभी नहीं देखा और ना ही कभी उनसे मुलाकात की, क्योंकि वालदा नशो मेरी पैदाइश से पहले ही उनसे अलग हो गई थी। उनका कहना था कि मेरी पैदाइश के बाद भी वालिद ने कभी मुझसे मिलने की कोशिश नहीं की, इसी वजह से मेरे दिल में कभी उनके लिए बाप वाले जज्बात नहीं आए। साहिबा ने कहा कि उनका बचपन नाना के घर गुजरा क्योंकि वालदा फिल्मों की शूटिंग में मसरूफ होती थी और वालिद ने छोड़ दिया था, तो इसीलिए नाना नानी मामू वगैरह के ज़्यादा करीब थी। साहिबा ने कहा कि वो जब 10 साल की हुई तो वालदा ने दूसरी शादी कर ली थी और सुतेले वालिद ने उन्हें अपनी आखिरी सांस तक प्यार दिया। उन्होंने सगे बाप से बढ़कर उनसे मोहब्बत की। मेरे सुतेले वालिद पेशे से पायलट और ज़मींदार थे और 5 साल कबल ही उनका इंतकाल हुआ है।